देखिए काशीपुर में एक ऐतिहासिक जुलूस आज बागेश्वर धाम के समर्थन में निकल रहा है, जिसमें सभी सनातनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे अधिक मेरे पास और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। जैसा कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है, भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा जुलूस कभी काशीपुर में नहीं निकला था। और उम्मीद करता हूँ कि अभी भी और लोग जुड़ रहे हैं इसमें और आगे भी जुड़ते रहेंगे। जय श्री राम। काशीपुर में आज ये बागेश्वर धाम के पक्ष में जो है एक ऐतिहासिक जुलूस निकल रहा है वीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में, और इसे जो है एक नया रूप यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ पर सभी हिंदू संगठनों ने इसमें भाग लिया है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है वो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हमारे धर्म पे कभी सवाल उठता है तो हम लोग को इकट्ठा होना पड़ता है, और आज ये उसी का सबूत है कि हम इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और हम अपने धर्म का पूरा पालन करेंगे। और आप देख लो, बताने की जरूरत नहीं है, हर सनातनी संगठन है बाबा के समर्थन में, उत्साह है, और ये मुक्ता और गवाब है उन ताकतों को जो बाबा के पीछे पड़ी है। बाबा के समर्थन में पूरा महायान सनातनी हुआ हुआ है। बाबा के समर्थन में भगवान आप सब लोग आज हिंदू समाज जा चुका है और वो आगे भी काम जारी रहेगा, जोर शोर से चल रहेगा। सुनाई नहीं दे रहा है श्री राम जी के अलावा? मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना, हमारा मतलब है हिंदू राष्ट्र बनाना, सब सनातनों को एक साथ होना, समस्त हिंदुओं को इकट्ठा करना, यही हमारा एक नारा है और यह नारा पूरे विश्व में जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। और हमारे बीच में बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर धाम के समर्थन में। जय श्री राम। देखिए अपार जन समूह हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि संपूर्ण काशीपुर, संपूर्ण भारत, संपूर्ण सनातन धर्म के अनुयायी सब एक साथ हैं और सब बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आ जाए। लेकिन बॉन्डिंग जी हमारे बीच मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे? जिस प्रकार से इतने अपार जन जो हमारे साथ भक्त चल रहे हैं, ये सब बागेश्वर धाम के बाबा का जो कृपा है, जिस तरीके से बाबा ने लोगों पे कृपा कर रखी है और जिस प्रकार से सब हम सब बाबा के साथ हैं, जय बागेश्वर धाम। देखिए जो आज का ये माहौल है, सनातनी माहौल है, भगवा माहौल है, इसको देख के तो यही लगता है कि खाली घोषणा ही शीर्ष रह गई है, अन्यथा हिंदू राष्ट्र हिंदू देश बन गया है। और बड़ा अलौकिक और दिव्य माहौल है, और जब भगवान श्री राम का जयकारा हो, घोष हो, तो वहाँ श्री हनुमान जी का आना तो बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ आज शोभा यात्रा है, इसमें देखेंगे इस माहौल में भगवान श्री राम के जय घोष में श्री हनुमान जी भी यात्रा में कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए होंगे। आज का कार्यक्रम बागेश्वर धाम जी के समर्थन में है, जिसमें धीरेन्द्र सरस्वती जी के शास्त्री जी के समर्थन में सारे लोग चल रहे हैं और बालाजी महाराज को अपना अनुयायी मानकर आगे बढ़ रहे हैं। आज अद्भुत नजारा हो गया, और जो सनातन धर्म की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आचार्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के समर्थन में उत्तराखंड के देवभूमि काशीपुर में आज सनातन धर्म ने अपनी ताकत का एहसास दिला दिया, और इस ताकत का एहसास जो धर्म विरोधी है उन्हें ताकत का एहसास दिलाना जरूरी है। और मुल्ला मौलवियों के ऊपर की बात क्यों नहीं उठती, जो सनातन धर्म के ऊपर ही बात उठती है। अद्भुत है, काशीपुर के सारे सनातन प्रेमी जनता सभी, मेरे माताएं बुजुर्ग बहनें सभी बढ़ चढ़ कर इस ध्वज यात्रा में श्री बालाजी बागेश्वर धाम महाराज जी के पीठेश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में आज पूरा काशीपुर भगवामय है। अद्भुत है, पूरे देश में आज इस भव्य ध्वज यात्रा से एक संदेश जाएगा, और पूरे देश में जितने भी धर्म प्रेमी जनता रहती है और जहाँ जहाँ रहती है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वो पूरे देश में महाराज जी के समर्थन में भव्य ध्वज यात्राओं का आयोजन करें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म पे, हमारे साधु संतों पे उंगली ना उठा पाए। और उनके लिए स्पष्ट संदेश है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना जिस भाषा में समझोगे
उस भाषा में इस देश का हिंदू समझा देगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।